दो। आपकी तालियां उन्हें मंच तक बुला रही हैं, जब तक आप मंच पर आएंगे जब तक ये तालियां बजती रहेगी। एक दो। भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान राहुल सिन्हा जी, श्री सुरेश पुजारी जी, हमारे सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, केंद्र में भारत सरकार के मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, राज्यसभा की संसद सदस्य श्रीमती रूपा गांगुली जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के महामंत्री महोदय और हमारे संगठन मंत्री श्री सुब्रत चटर्जी जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर यहाँ आए हुए सभी प्रबुद्ध जन एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं बंगाल के दौरे पर हूं। मेरा 3 दिन के दौरे का दूसरा दिन है। दोपहर को प्रेस वार्ता थी, जितनी भी राजनीतिक बात करनी थी मैंने वहां कर दी है। मैं आप लोगों से, आप सभी हमारे निमंत्रण पर यहां आए हो तो कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए यहां नहीं आया। मैं आपको राजनीतिक क्षेत्र के एक विद्यार्थी के नाते देश की तत्कालीन अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है इसका विश्लेषण आपके सामने रखने आया हूं, और उसके साथ ही आपको अपील करने भी आया हूं कि आप सभी अगर मेरी बात करने के बाद आपको ठीक लगता है तो बंगाल की अभी की जो परिस्थिति है उसको बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग जरूर करिए। मित्रों, इस देश में लगभग 1650 पार्टियां अलग अलग प्रकार की बनी हुई हैं। कुछ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड टाइप की पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय दल है, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। और जब हमने संविधान सभा ने हमारी भारत के संविधान की निर्मिति के वक्त मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने एक्सेप्ट किया है, बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब हमने स्वीकार किया है, तो उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रवाह किस तरह से बहता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रवाह बहता है वही आगे जाकर देश का भविष्य सुनिश्चित करता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। जब हमने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, तब कोई व्यक्ति देश का भला नहीं कर सकता, पार्टियां ही कर सकती है, क्योंकि चुनाव पार्टियों के नाम पर लड़े जाते हैं। यहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज पार्लियामेंट के मेंबर को जनता चुनती है और वो जाकर मिलकर एक सरकार की रचना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप
सभी बंगाल के प्रबुद्ध जनों को यह कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि 1650 पार्टियों का जो एक घोल बना है उसमें पार्टियों को पहले समझिए। और मैं आज जो आपको कहने जा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहने नहीं जा रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कहने नहीं जा रहा हूं, मैं एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मेरा जो एनालिसिस है आपको सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप भी सोचने वाले लोग हैं, आप भी समझने वाले लोग हैं, आप भी एनालिसिस करने वाले लोग हैं। ये 1600 पार्टियों का जो एक पूरा समूह है उसमें से मित्रों मैं स्पष्टता और गौरव के साथ विश्वास के साथ कहता हूं कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी बची है और हर बार 3 साल के बाद बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव हम समय पर करते हैं, संविधान के हिसाब से करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, आप बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, कोई बता सकता है क्या? बता सकते हैं भाई? जरा भी नहीं बता पाएंगे आप। और मुझे बताइए सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? सबको जवाब मालूम है, भगवान लंबी आयु दे ममता जी को, मगर उनका वारिस कौन है सबको मालूम है। आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी में नहीं है वो पार्टी लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती है। पार्टियां सुचारू रूप से चले, पार्टियां देश के लिए चले, पार्टियां विकास के लिए चले, पार्टी देश और विकास को समर्पित हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। और मित्रों मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी में 3 साल के अंदर अध्यक्ष का चुनाव समय पर होता है और हमारी पार्टी का कोई नेता 2 टर्म से ज्यादा अध्यक्ष बन भी नहीं सकता है। बंगाल के लोगों को शायद मेरा परिचय ज्यादा न हो क्योंकि मैं गुजरात में ठेठ दूर पश्चिम कोने से आता हूं और पूरब में खड़ा हूं, मगर मेरे जीवन की राजनीतिक करियर की शुरुआत एक छोटे से बूथ के अध्यक्ष से नाते हुई थी। वहां से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने के बावजूद इस महान पार्टी ने मुझे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परिवर्तन लाना होता है वो परिवर्तन वही पार्टियां ला सकती है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो। अगर अंदर आंतरिक लोकतंत्र है तो पार्टी की कैडर आवाज उठाती है, नेतृत्व गुमराह होता है तो उसको रोकने का साहस होता है। आज मेरे बूथ का छोटा सा कार्यकर्ता मुझे कह सकता है अमित भाई ये बात ठीक नहीं है, इसको सुधार करिए, क्योंकि उसमें हिम्मत है, वो हमारे संविधान से प्रोटेक्टेड है, उसको मेरी कृपा से अपनी करियर नहीं बनानी है, अपनी मेहनत सूझबूझ और परफॉर्मेंस से अपनी करियर बनानी है। तो मित्रों जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं बचा है वो पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। मैं ABCD के नाम देना नहीं चाहता, मगर आंतरिक लोकतंत्र जिसमें नहीं है वो पार्टी ना लोकतंत्र का भला कर सकती है, ना राज्य का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो लोकतंत्र के आंतरिक लोकतंत्र को संभाल कर चलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पार्टी के लिए कि कौन सी पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है और कौन सी पार्टी आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसके अमलीकरण के लिए सीरियस है, गंभीर है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मित्रों 1650 पार्टियों के इस जंगल के अंदर आइडियोलॉजी का सूखा पड़ गया है, आइडियोलॉजी दूरबीन लेकर ढूंढ कर भी नहीं मिल। मैं आपको गौरव के साथ कहता हूं कि 1950 से जनसंघ से जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मेरी पार्टी की यात्रा भले मंथर गति से चली हो, भले स्लो चली हो,
मगर मेरी पार्टी की विकास यात्रा आइडियोलॉजी के आधार पर ही चली है। जब पार्टी की स्थापना हुई तब भी मेरा कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाता था और आज भी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर साथ इस देश का विकास करना और हर कोने में विकास पहुंचाने मेरी पार्टी का मंत्र है मित्रों, और इसी के कारण हमारी पार्टी तो अस्तित्व में आई थी, वरना पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी। हम किसी से अलग नहीं हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब पार्टी बनाई तब वो उद्योग मंत्री थे, पद त्याग कर निकले थे। जरूरत क्या थी पार्टी बनाने की? और उस वक्त जब पार्टी बनाई जनसंघ, तब सालों तक जनसंघ का एक काउंसिलर भी चुनकर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में सीधा जमा हो गया था। जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर था, मगर उस वक्त नई बनी हुई सम्मिलित सरकारों ने जब निश्चय किया, नीतियां बनानी शुरू की, देश की विदेश नीति बनी, देश की कृषि नीति बनी, देश की शिक्षा नीति बनी, देश की अर्थ नीति बनी, देश की रक्षा नीति और विदेश नीति जब बनने लगे, तब कुछ लोगों को लगा कि सारी नीतियों में भारतीय मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती है। ये सारी नीतियों का मूल कहीं ना कहीं पश्चिम के विचार से जाकर मेल खाता है, पश्चिम के विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तब उनको लगा कि अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर यही रास्ते पर देश बहुत आगे चला गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक वैकल्पिक सोच देने की जरूरत है, एक विकल्प, एक नीतियों का विकल्प देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और विकल्प रखने के लिए, सत्ता पर आने के लिए नहीं, क्योंकि सत्ता पर आने की तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं थी। सत्ता पर आने के लिए नहीं, एक विकल्प रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। और मित्रों, भारतीय जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ मुक्त व्यापार और मुक्त खेती की बात उस जमाने में करी थी, जिसको लेकर आज मोदी जी भी चल रहे हैं। हम विचारधारा से कभी फटके नहीं, विचारधारा कभी बदली नहीं, विचारधारा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करी है। हम वो पार्टी है मित्रों। और जब हमारी विचारधारा के आधार पर पार्टी चली तो स्वाभाविक रूप से उसका बढ़ना धीरा था, मंथर गति से बढ़े, स्लोली से बढ़े। 2050 से लेकर 2017 तक का ये फासला हमने बहुत कठोरता से पारित किया है मित्रों। बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे मजाक हंसी हमारी उड़ी है, फिर भी हमने विचारधारा के साथ कभी समाधान नहीं किया है मित्रों। और उस वक्त हमने एक नीतियों को बनाने का शुरू किया, जिस नीति के अंदर इस देश की मिट्टी की सुगंध हो, इस देश की संस्कृति मिले, इस देश का संस्कार मिले, इसी के आधार पर यह देश आगे बढ़ना चाहिए। इसकी शुरुआत भारतीय जनसंघ ने करी, भारतीय जनता पार्टी ने करी। और मित्रों, आज भी हम उसी नीतियों के आधार पर चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि नीतियों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का सूखा हो गया है, अकाल पड़ गया है। दूरबीन लेकर ढूंढते ही नीतियों के आधार पर चलने वाली पार्टियां नहीं मिलती है। कांग्रेस तो आजादी के आंदोलन से बनी थी, राइटिस्ट विचारधारा वाले भी वहां थे, समाजवादी भी वहां थे, लेफ्टिस्ट भी वहां थे, हिंदू महासभा वाले भी वहां थे और मुस्लिम लीग के सदस्य भी वहां थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था आजादी प्राप्त करने का। जिसको आजादी चाहिए थी, कोई भी विचार था, विचारधारा का था, कांग्रेस के साथ जुड़ गया था। तो कांग्रेस की अपनी स्वतः कोई विचारधारा नहीं थी, कम्युनिस्टों की विचारधारा थी, मगर वो विचार काल के थपड़े खाते खाते देश भर में से, दुनिया भर में से उखड़ गई है। कुछ यहां बचे हैं, उनको भी अब धीरे 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 समाप्त होने की दिशा में। विचारधारा के आधार पर चलने वाली एकमात्र पार्टी बची है और वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी सारी पार्टियों का मूल देखेंगे आप,
तो कांग्रेस में जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा। सत्ता का झगड़ा हो गया, अपना समावेश नहीं हो गया तो कांग्रेस से अलग हो गए। किसी ने तृणमूल बनाई, किसी ने कांग्रेस ओ बनाई, कांग्रेस पी बनाई, कांग्रेस तिवारी बनाई, ये सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं। और मैं पूछता हूं कई बार कि भैया आपकी विचारधारा क्या है, किस आइडियोलॉजी के आधार पर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। आइडियोलॉजी ना कोई कह सकता है ना कोई इसकी व्याख्या कर सकता है। तो जिसमें लोकतंत्र ना हो वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट नहीं कर सकती। जिसकी आइडियोलॉजी ना हो वो पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को पुष्ट नहीं करती। बहु पार्टी बहुपक्षीय संसदीय व्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो आइडियोलॉजी बेस आंतरिक लोकतंत्र को इंटरनल डेमोक्रेटी को संभाले हुई पार्टी की दिशा में ही इस देश ने जाना पड़ेगा, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, मैं आइडियोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक जमाना था जनसंघ में जब हम थे तब हम कहते थे कि हम देश का भला करेंगे। कांग्रेस के मित्र और कम्युनिस्ट दोनों हमारी मजाक उड़ाते थे कि आपके पास तो अधिकार ही नहीं, आपके पास तो पावर ही नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है। मगर आज इस देश में एक 70 साल की आजादी के बाद एक समय आ गया है कि बड़ा बड़ा तीन विचारधाराओं का पार्टी, तीन प्रकार का सरकारें इस देश में चली हैं। एक तो कांग्रेस की सरकारें चली हैं, राज्य में भी चली, केंद्र में भी चली। दूसरा, कम्युनिस्टों की सरकारें चली है, राज्य में भी चली, केंद्र में भी चली। और तीसरी, प्रादेशिक पार्टियों की भी सरकारें चली है, सपा की चली, बसपा की चली, तृणमूल कांग्रेस की चली, जदयू की चली, नवीन पटनायक जी की चली। तीन प्रकार की सरकारों को इस देश ने देखा है। मेरा इस देश के बुद्धिजीवियों को आह्वान है कि अब तीनों प्रकार की सरकार के आंकड़े अब सब साइट पर उपलब्ध है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं, कहीं पत्र लिखने की जरूरत नहीं। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। आप सभी लोग एनालिसिस करिएगा, कांग्रेस पार्टी का समय, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों का परफॉर्मेंस, क्षेत्रीय पार्टियों का परफॉर्मेंस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का परफॉर्मेंस, ये चारों के आंकड़े आप मिलाकर देख लीजिएगा। मैंने तो देखे, इसलिए कहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वहां विकास हुआ है, वो राज्य आगे बढ़ गया है। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रिकॉर्ड सभी से बेहतर है। और मैं इतने जोर से सार्वजनिक रूप से इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको छुट्टी है, आप सब लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं डाउनलोड कराकर, कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट किसने बढ़ाया, जीडीपी किसने बढ़ाया, शिक्षा की स्थिति किसने आगे बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर किसने आगे बढ़ाया, हेल्थ की पोजीशन को किसने इंप्रूव किया, गरीबी उन्मूलन की दिशा में कौन आगे बढ़ा, रोजगारी की दिशा में कौन आगे बढ़ा, न्यूट्रिशन की दिशा में कौन आगे बढ़ा। अगर आंकड़े आप ठीक से तुलनात्मक रूप से देख लोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई वहां बार बार चुनकर आई। हम गुजरात में चुनकर आए, 1990 से आज तक हम नहीं हारे हैं। हम मध्य प्रदेश में चुनकर आए, 17 साल से हमारा शासन है। हम छत्तीसगढ़ में चुनकर आए, कभी नहीं हारे। राजस्थान में भी बार बार जीत रहे, और अब हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाव है। वो हमारे नेता खूबसूरत है इसलिए वोट नहीं मिलते है भाई। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। और आप याद करिए 2012 को, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली इस देश में,
क्या माहौल था, देश का युवा आक्रोशित था, उसको अपना भविष्य कहीं दिखाई नहीं पड़ता था, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, सीमाओं का रोज अतिक्रमण होता था, भाई हेमराज का सर काटकर पाकिस्तान की धरती पर ले जाकर उसको अपमानित करते थे, छोटे छोटे देश भी हिंदुस्तान की मजाक उड़ाते थे, देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाए तो कोने में छपता था कि यार बेल्जियम जाकर आ गए, ना दुनिया नोट लेती थी ना देश नोट लेता था, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता था, वहां जाते थे दो पन्ने का भाषण लेकर जाते थे, दो पन्ने का अंग्रेजी में लिखा हुआ भाषण पढ़कर वापिस चले आते थे, कभी कभी तो वियतनाम का भाषण बल्गेरिया में पढ़ देते थे और बल्गेरिया का वियतनाम में पढ़ देते थे, जगह साई होती थी हमारी और देश का सम्मान दुनिया में नीचे सबसे नीचे स्तर पर पहुंचा था, और 2014 में सौभाग्य से बहुत कम समय के अंदर देश में चुनाव आ गए, अर्थव्यवस्था उस वक्त पटरी पर से उतर गई थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था सरकार को, नीतियों के मामले में लकवा मार गया था सरकार को, हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री ऐसा था जिसको कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था, उनकी आवाज सुनने के लिए महीनों तक देश की जनता राह देखती थी कि प्रधानमंत्री कभी कुछ बोल भी दे, इस प्रकार के अजीब माहौल के अंदर 2014 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चयन किया, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, डंके की चोट पर हमारा नेता तय किया और 30 साल के बाद पहली बार इस देश में किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला और एक स्थिर सरकार अस्तित्व में आई, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार को, किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम ये देश की जनता ने किया और श्री नरेंद्र मोदी देश के नेता बने, प्रधानमंत्री बने, और मित्रों ये 2014 से 2017 का सफर देश के सामने है, उस वक्त जो युवा आक्रोशित था आज वो स्टार्टअप बनाने पड़ गया है, स्टैंडअप के अंदर दलित युवा अपनी नौकरी ढूंढता है, स्किल इंडिया के तहत वो अपने आप को वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पाता है, जब देश की सीमाओं के साथ अतिक्रमण बार बार होने लगा, उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि आप हमें हल्के से नहीं ले सकते हैं, हम शांति तो चाहते हैं अपने पड़ोसियों से मगर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, एक सार्वभौमत्व वाला एक सॉवरेन कंट्री है हम, ये देश दुनिया में हमने भेजा है, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं वहां उनका स्वागत होता है, आवभगत होती है, सम्मान होता है, हजारों हजारों का जुलूस नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के अंदर झूमता है, मित्रों ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को देश को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है, 4.4% पर छोड़कर गए थे विकास दर को, हम 7.6% तक लेने का काम किया है और हम आज हिंदुस्तान दुनिया भर में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनकर आपने सामने खड़ा है, और मित्रों के कितने कितने काम, मैं बहुत सारे काम गिनाना नहीं चाहता मगर ये सरकार जो है वो संवेदना से चलने वाली सरकार है, ये सरकार जन भावनाओं को जानने वाली सरकार है, एक जमाना था जब गवर्नेंस के बारे में कहा जाता था रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स सुधार होने चाहिए, हमने वो व्याख्या को बदला है, हम रिफॉर्म्स में नहीं मानते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन में मानते हैं, आमूल चूर परिवर्तन बदलाव में मानते हैं और वो कर हमने दिखाया है, मित्रों इस देश के अंदर किसी कोई प्रधानमंत्री को कल्पना नहीं आई, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि संवेदनशील गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है, नरेंद्र भाई ने आने के साथ ही जो एलपीजी के कनेक्शन होते हैं
इसकी सब्सिडी को डायरेक्ट ट्रांसफर करने की शुरुआत कर दी और सब्सिडी जो ग्राहक की थी वो सीधी इसके बैंक अकाउंट में जाना शुरू हो गई। आपको लगेगा भी इसमें क्या बड़ा हो गया, पहले पैसा देना नहीं पड़ता था, अब देना पड़ता है और बाद में जाकर आप भेजते हो, हम दे आते हैं। मगर 14,000 करोड़ की सब्सिडी बच गई क्योंकि वो कनेक्शन जाली थे, फर्जी थे, जिसका बैंक अकाउंट ही नहीं था। आप कल्पना कर सकते हो इतने सालों से 14,000 करोड़ का एक ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार सिर्फ एलपीजी कनेक्शन बांटने में होता था। जब मालूम पड़ा कि वो कनेक्शन कहां जाते थे, 5 सितारा होटल में धनिकों का खाना पकाने के अंदर एक कनेक्शन, सब्सिडी युक्त कनेक्शन उपयोग में आते थे, वो व्यवस्था को श्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने एक अपील की कि भाई ये सब्सिडी है देश के गरीबों के लिए, जिनको अपना जीवन आगे बढ़ाना है उसके लिए, जिस पर ईश्वर की कृपा है, जो संपन्न है, जो सरकारी नौकरी प्राप्त करे हैं, जो कमा लेते हैं, वो क्यों सब्सिडी लेते हैं? आप सब्सिडी छोड़ दो, मैं आपकी सब्सिडी किसी गरीब को दे दूंगा। और मित्रों, मुझे कहने में गर्व है कि एक बार इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान से युद्ध किया तब कहा था सप्ताह में 2 दिन चावल खाना छोड़ दो, क्योंकि चावल देश के पास है नहीं, अमेरिका दादागिरी कर हमको दबाता है। और देश के लोगों ने 2 दिन नहीं, जब तक युद्ध चला तब तक चावल खाना छोड़ दिया था मित्रों। और नरेंद्र भाई ने जब कहा कि आप सब्सिडी छोड़ दो, मुझे कहते हुए खुशी है कि 1,40,00,000 लोगों ने अपनी सब्सिडी गिवी टप के नाम से खुद ही छोड़ दी। तो 14,000 करोड़ वहां बचे और बाद में 1,40,000 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। ये पैसों का क्या करना, कोई और सरकार होती तो बजट का घाटा समाप्त कर देती। नरेंद्र भाई ने कहा कि एक माता जब चूल्हे पर कंडा और लकड़ी जलाकर खाना पकाती है, 400 सिगरेट जितना धुआं उसके फेफड़े में चला जाता है, उसका बीमार ससुर बाप वो भी बीमार होता है, बच्चा भी टीबी से युक्त हो जाता है, इसके जीवन में उजियारा कौन लाएगा? नरेंद्र भाई ने तय किया कि हम 5 साल में 5 करोड़ माताओं के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाने का काम करेंगे। और मित्रों, 2 ही साल में 2 करोड़ देश की गरीब माताओं के घर में गैस पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। मित्रों, आप इसको रिफॉर्म्स कहेंगे, सुधार कहेंगे? ना जी, ये रिफॉर्म्स नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। रिफॉर्म शब्द छोटा पड़ गया। आपने डायरेक्ट सब्सिडी भेजी, ये रिफॉर्म्स है। आपने अपील करी, ये आपका व्यक्तिगत इस सरकार को ऊपर ले जाने का एक व्यक्तिगत प्रयास है। और ये सारा इकट्ठा होकर जब गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है मित्रों। इससे बड़ा कोई गुड गवर्नेंस का उदाहरण नहीं हो सकता। 4 करोड़ देश में 4 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। आप कल्पना करिए कि गांव के अंदर, दूर देहात के, ओडिशा के, यूपी के, बिहार के गांव के अंदर 16 साल की बच्ची जिसको भी अपना जीवन शुरू करना है, सुबह उसको शौच जाने के लिए खुले में जाना पड़ता होगा, ये बेटी के मन में, इसके मन पर कितना बोझ होगा, कितनी शर्म होगी, लोग मजाक उड़ाते होंगे, शर्म से मारी नजर झुकाकर वो घर पे आती होगी, इसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाए। आप शर्म के साथ मत जुड़िए, इसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता होगा। वो बच्ची जिसको अभी देश को कंट्रीब्यूट करना है, देश की नागरिक बनना बाकी है, किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था, प्रधानमंत्री जी ने इस देश में शौचालय की योजना को शुरू किया स्वच्छता अभियान के नाम पर, और 1.5 साल में 4 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भेजकर उनकी शर्म की जिंदगी से बाहर निकालने का काम। मित्रों, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। ये गरीबों का सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, उसको अच्छी जिंदगी जीने के स्वप्न देने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज देश में गरीब का बच्चा जन्मता है तो उसको स्वप्न देने का अधिकार है, स्वप्न देखने का अधिकार है। पहले वो नहीं होता था, उसके पास इतना ही छोटा सा स्वप्न बिचारे के पल्ले बांध कर वो जन्म लेता था कि मेरे मृत्यु तक दो वक्त की रोटी मिल जाए बस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बदला है मित्रों, और कई सारे मामलों में हमने क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। 104 सैटेलाइट्स उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में छोड़कर अंतरिक्ष की दुनिया में आज भारत को लीडर के नाते प्रस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नोटबंदी का फैसला, दुनिया भर के अर्थशास्त्री आश्चर्यचकित है और दीदी बहुत चिंतित है। दिखाई पड़ती है ना चिंता भाई इनकी, दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई पड़ती है? मुझे मालूम नहीं उनका क्या लूट गया है, मैं समझ नहीं पाता। जिनके पास काला धन था उनको दिक्कतें आती, हवाई चंपल पहनने वालों को क्यों चिंता हुई भाई? ये किसके खिलाफ था? जाली नोट का व्यापार करने वाले के खिलाफ था। टैक्स भरे बगैर का पैसा जिसके घर में गड्डियां बनकर पड़ा था उनके लिए था। नरेंद्र भाई ने एक ही परिवर्तन से देश में आमूलचूर परिवर्तन लाया है, और वो सारी धनराशि आज बैंकों में जमा हो गई है जो घर में पड़ी थी, और देश के विकास में इसका उपयोग हो रहा है। हम तो पार्टी चलाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हम। आज पार्टी चलाने के लिए हमें भी पैसा चाहिए। पहले 20,000 रुपया तक कैश डोनेशन लेने की व्यवस्था थी, नरेंद्र भाई ने इसको 2,000 करके लगभग काले धन को चुनाव की राजनीति से बाहर निकालने का काम किया। मित्रों जन धन योजना, जब हम शासन में आए इस देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे, 125 करोड़ में से 60 करोड़ लोग मतलब 50% आबादी, जिसके पूरे परिवार में, उसका छोड़ दो, पूरे परिवार में बैंक अकाउंट ही नहीं था। जनधन योजना को नरेंद्र भाई ने कठोरता से लागू कर 28 करोड़ 11 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खोलकर वो गरीब को अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से सालों से कल्पना थी कि रोजगारी का मतलब नौकरी, नौकरी में भी सरकारी नौकरी, हमने वो कल्पना को बदला है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7,32,00,000 युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन देकर अपना जीवन सम्मान पूर्वक जीने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। कोई गांव में हजाम की दुकान खोला है, कोई ठेले लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई छोटी सी बच्ची ब्यूटी पार्लर का अपना शॉप खोलकर अपना जीवन सम्मान से बीत जा रही है, कोई छोटा सा लड़का कंप्यूटर लेकर आईटी के माध्यम से दुनिया के साथ जोड़कर अपनी पेट का भरने की व्यवस्था कर रहा है। 7,32,00,000 परिवारों को स्वरोजगारी के रास्ते पर डाइवर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेनामी संपत्ति के खिलाफ, शत्रु संपत्ति के खिलाफ 2 नए कानून लाए हम, और काले धन पर लगाम लगाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया। सेल कंपनियों के खिलाफ जो अभियान चलाया है, बहुत सारे वकील सीए बैठे हैं, उनको तो मालूम ही होगा कलकत्ते में क्या चल रहा है। भैया मालूम है या नहीं है? बहुत बड़ा अभियान सेल कंपनियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। एक भीम ऐप लॉन्च करी है, और भीम ऐप के माध्यम से आज भीम ऐप डिजिटल ट्रांजेक्शन की दुनिया में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऐप बनकर उभरा है, और हमने बाबा साहेब अम्बेडकर को इसके माध्यम से श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इस देश के गरीबों को स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, दवाइयों के भाव इतने बढ़ते गए कि कोई इसको देखने वाला नहीं था। हमने जेनरिक दवाइयों का कंसेप्ट लाकर आज एमसीआई ने भी कानून कर दिया है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक दवाइयों का ही लिखना पड़ेगा, 70% से कम दाम में देश के गरीब को दवा मिले, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी। भगवान करे सब स्वस्थ रहें,
मगर जब टेंट लगाने का सवाल आता था तो 40,000 से शुरू होता था, 1,80,000 तक की इसकी कॉस्ट थी। मित्रों लूट थी, इसकी कॉस्ट इतनी थी ही नहीं। भारत सरकार ने इसकी मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट और वाजिब मुनाफा क्या हो सकता है, आज 7,000 से 40,000 के बीच में हर प्रकार के स्टेंट मिलना शुरू हो गए। मैं मानता हूं इस देश के गरीब को भी अपना दिल सुधारने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दी। मित्रों इंद्रधनुष योजना के तहत टीकाकरण को हमने जोर दिया, देश के 12 करोड़ बच्चों का 6 महीने के अंदर टीकाकरण कर आज उनको एक स्वस्थ नागरिक बनाने की दिशा में बहुत बड़ी पहल की है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से चाहे दलित बच्चा हो, चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, उसको एक वैश्विक प्लेटफॉर्म देकर विश्व के बच्चों के साथ स्पर्धा कराने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। स्वच्छ भारत, गांधी जी के बाद स्वच्छता की बात इस देश के राजनेता ही भूल गए थे, जैसे स्वच्छता के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। कोई सरकार स्वच्छता के लिए कुछ नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के अभियान को आगे बढ़ाया। अभी भी काफी सारे लोग हमारी टीका कर रहे, हमारे विरोधी भी कर रहे हैं कि भाई यहां कूड़ा पड़ा है, वहां कूड़ा पड़ा है। उनको मालूम नहीं है कि एक प्रक्रिया है, इस संस्कार देने का काम है। और आज नरेंद्र मोदी के स्वच्छता का अभियान के कारण इतना हो गया है। मित्रों बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपकी पोते की उपस्थिति में एक चॉकलेट का छिलका नीचे नाक कर देखिएगा, पोता कहेगा कि दादा मत डालिए, इसको कचरा पेटी में डाल दीजिए। नई पीढ़ी को संस्कारित करना और स्वच्छता के संस्कार सोसाइटी के नाते, समाज के नाते, पूरे समाज में इम्प्लांट करना, इसको आरोपित करना, मित्रों बहुत बड़ा काम है। सरकारों ने काम को समझा ही नहीं कि ये मेरा काम है, मगर इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हमने जन भागीदारी से सुलझाने का काम किया है। नमामि गंगे के माध्यम से देश भर की नदियों को स्वच्छ करने का हमने अभियान उठाया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जो जेंडर रेशियो का खतरनाक अंक कम हो रहा था महिलाओं का, आज मैं बताता हूं हरियाणा के अंदर पहले 1,000 के अनुपात में 830 महिलाएं थी, आज 999 महिलाओं का जन्म हुआ है। मित्रों ये कितनी बड़ी खतरनाक समस्या थी जिसको किसी ने एड्रेस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया। मित्रों बंगाल के लिए भी इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। मैं बंगाल में नारदा शारदा बम धमाके लॉ एंड ऑर्डर फला ढिंका कुछ कहना नहीं चाहता, आप सीधा बात कर ले गया ममता दीदी से, मैं आप सबके बीच में नहीं आना चाहता। मगर बंगाल के विकास के लिए हम चिंतित है और हमारा अधिकार है। नरेंद्र मोदी सरकार ने, पहले यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उस वक्त 13th फाइनेंस कमीशन ने 5 साल में 1,03,539 करोड़ रुपया भेजा था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाद में पूछूंगा आंकड़ा कितना भेजा था, ये पूछूंगा। 1,03,539 करोड़ रुपया 13th फाइनेंस कमीशन में बंगाल के विकास के लिए भेजा था। कितना भेजा था भेजा जो बोलो तो 1,03,539 करोड़। नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर 2,89,942 करोड़ रुपया बंगाल को दिया है। मित्रों 3 गुना पैसा देने का काम किया है। ताली मत बजाना भैया, दिखाई पड़ता है कहीं, कहां गया, क्या खुश हो जाते हो भाई, हम तो भेज रहे हैं मगर आप तक पहुंच नहीं रहा है। बंगाल की ना गरीबी दूर होती है, ना बेरोजगारी दूर होती है, ना रोड अच्छे बनते हैं, ना ब्रिज बनते हैं, ना लाइट घर में पहुंचती है, ना युवा को रोजगारी मिलती है। तो पैसा कहां जाता है भाई, कहां जाता है भाई। मित्रों ब्लॉक्स ग्रांट के अंदर 17,070 करोड़ रुपया भेजते थे, हमने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को भी बढ़ाकर 3 गुना का है। और डिजास्टर की ग्रांट को, मित्रों डिजास्टर की ग्रांट को 1,263 से बढ़ाकर 2,140 करोड़ किया है। ग्रांट इन एड्स को 95 से 95
20 करोड़ 9520 करोड़ से बढ़ाकर 34735 करोड़ किया है। मेरे पास तो पूरा विकास का खाका है जो क्या किया है, रोड के लिए क्या दिया, पोर्ट के लिए क्या दिया, एग्रीकल्चर के लिए क्या दिया, शिक्षा के लिए क्या दिया, स्वास्थ्य के लिए क्या दिया, रोजगारी के क्षेत्र में स्किल इंडिया के लिए क्या किया, मगर एक डर मन में घुस गया है कि सारी योजनाएं अगर नीचे पहुंचती है तो नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, बीजेपी का हवा बन जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से हमारा संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चल सकता। जो फेडरल स्ट्रक्चर की जिम्मेदारियां हैं, हमारे संविधान ने दो प्रकार से इसको अलग किया है। देश की सुरक्षा केंद्र का जिम्मा है, विदेश नीति केंद्र का जिम्मा है, आर्थिक वित्तीय नियमन केंद्र का जिम्मा है, मगर कृषि विकास, स्वास्थ्य, प्राइमरी एजुकेशन, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ, ये सारी जिम्मेदारी रोड्स राज्य की है। भारतीय जनता पार्टी अंदर दखल नहीं कर सकती। और मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर केंद्र अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालेगा और राज्य नहीं संभालेगा तो संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। जिन जिन राज्यों ने इसका फायदा लिया वो आज बहुत आगे बढ़ने लगे हैं, मगर अफसोस बंगाल के अंदर इस प्रकार से नहीं हो रहा है। मित्रों, मैं बहुत लंबा समय हो गया, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद हर 15 दिन में एक योजना ये सरकार लेकर आई है। 97 योजनाओं की सूची मेरे पास में है। मैं थोड़ा जोर से पढ़ता हूं, आपको लगे बहुत हो गया, हम मान गए तो ताली बजा देना, मैं बंद कर दूंगा। पढ़ू जोर से? पढ़ू? ऊपर वाले बोलो भाई। मैं जोर से पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया। अरे भाई, अभी तो 12 तक ही पहुंचे हैं, मगर ये कुछ आपके लिए नहीं है, ये कुछ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये नीचे तक नहीं पहुंचता है। ये गंभीर चिंता का विषय है। डेवलपमेंट के काम में भी अगर राजनीति करेंगे तो ये आजादी के वक्त सबसे समृद्ध राज्यों में जिनकी शुमार होता था, ऐसा बंगाल आज गरीब राज्यों के शुमार में आ गया है। मित्रों, कैसे उठेगा बंगाल, कैसे उठाएंगे बंगाल को? मित्रों, हम मानते हैं कि भारत माता का मानचित्र यहां लगा है, इसकी दो भुजाएं हैं, एक पश्चिम है और एक पूरब है। पश्चिम में विकास हो गया है, काफी अच्छा हुआ है। आप जाकर देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मगर पूरब में बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बहुत कुछ होना बाकी है मित्रों। और ये संतुलित विकास नहीं है। देश के एक हिस्से का विकास हो और दूसरे हिस्से का विकास न हो, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब तक पूर्वी भारत का विकास पश्चिम की तर्ज पर नहीं होता, ये देश का विकास का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो सकता। और मित्रों, मैं मन से कहने आया हूं, अगर पूर्वी भारत में विकास को लाना है तो हम सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करिए। पूर्वी भारत में कमल का फूल खिलाना पड़ेगा, तभी जाकर विकास आएगा। क्योंकि मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, कि जो विचारधारा के आधार पर नहीं चलती है, व्यक्तियों के आधार पर चलती है, वो पार्टियां विकास नहीं दे सकती। जिस पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र न हो, वो पार्टियां विकास नहीं दे सकती। जो पार्टियां गरीब कल्याण को समर्पित न हो, वो पार्टियां विकास नहीं दे सकती। जिस पार्टी के लिए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास का दृष्टिकोण न हो, विजन न हो, विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें सबके लिए जगह हो, सबका समावेश हुआ हो। और विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि विकास सबको स्पर्श कर जाए, सर्वस्पर्शीय होना चाहिए। इस प्रकार के मॉडल जो पार्टियां नहीं बना सकती, वो विकास नहीं कर सकती। मित्रों, हम बंगाल के अंदर ये दीनदयाल जन्मशती में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए हमारे कार्यकर्ता बहुत परिश्रम कर रहे हैं और मैं आज इसीलिए आया हूँ। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया है, दिया या नहीं दिया है भी बताओ,
जरा जोर से बोलो, कम्युनिस्टों को भी दिया है नहीं दिया है, और तृणमूल कांग्रेस को दिया है नहीं दिया है, कौन बाकी रहेगा है, कौन बाकी रहेगा है? तो एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे, आप खुद ही वोट दे दोगे। और मित्रों, विकास एक बात है, बंगाल की संस्कृति और संस्कार पर भी आघात हो रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सरस्वती पूजा के लिए भी पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है, दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए बंगाल के निवासियों को हाईकोर्ट के द्वार खटखटाने पड़ते हैं। किस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं सरकार को? और हम दबने वालों में से नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने तय किया है, अब से हमारी राष्ट्रीय राज्य की कार्यकारिणी के बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम सरस्वती पूजा के साथ ही शुरू होगा। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पूंजी है, ये संस्कार। और बंगाल अगर संस्कार गवा देता है तो देश में कहां बच जाएगा? ये तो संस्कार भूमि है, वंदे मातरम और जन गण मन की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की भूमि है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और टागोर की भूमि है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। बंगाल अगर संस्कार छोड़ देगा तो कहां जाएंगे? मित्रों, बंगाल ने देश को संस्कार देना है, बंगाल का दायित्व तो है देश को संस्कार देना। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से देश में एक विकास का मॉडल लेकर निकली है, एक देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मॉडल लेकर निकली है। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दीजिए। इतनी ही करबद्ध निवेदन कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। डॉक्टर श्यामा